नमस्कार, माधवपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में आज विगत 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतिम दिन प्रयागराज मंडल के DRM के द्वारा रेलवे मंत्रालय भारत सरकार के कार्यक्रम स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में विगत 16 सितंबर से क्रमागत रूप से किए गए कार्यों को विषय में जानकारी के अलावा यात्रियों के द्वारा इस विषय में दी गई जानकारी की समीक्षा हुई और आगे इस विषय में और किस तरह सुधार किए जा सकते हैं पर भी विचार किया गया। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए DRM प्रयागराज मंडल ने बताया कि भारतीय रेल सदा और सदैव यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखती है और इस वर्ष भी इस स्वच्छता अभियान में यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मियों के निवास स्थानों के साथ साथ पेंट्री कोच पटरियों और स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे पखवाड़ा हम लोग पिछले 2 हफ्ते से बना रहे हैं, 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये रेल पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें हम फोकस चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं। एक दिवस हमने रेलगाड़ी की सफाई के लिए बनाया, दूसरे दिन हम रेल कर्मियों की कॉलोनीज को साफ़ करने में लगे हैं, इस तरह रेल स्थल या रेल कार्यालयों को साफ़ कर रहे हैं और जागरूकता फैल रही है उसी सफाई के आंदोलन के तहत कि हमें साफ वातावरण मिल जाए। सर, रेलवे के आगे के लक्ष्य क्या हैं सफाई को लेकर? रेलवे और अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है और हर साल ये मनाता रहे जिससे कि हम जो 2014 से अभियान शुरू हुआ था उसका स्टैंडर्ड हर साल बढ़ता रहे और सफाई बढ़ती रहे। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से राजेंद्र पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा।